इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से गुड बाय, बट वो एक स्पेशल प्लेस हमेशा रहती है. और रही बात अगर इमली की करें तो इमली मेरे लिए मेरी करियर की शुरुआत थी. बस लग रहा था कि यार सिर्फ 7 दिन, आपको सीधा ये बोल दिया गया है कि बस आपके पास 7 दिन और है शूट करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? इमोशनल अटैचमेंट यार ऑफकोर्स वो हर कैरेक्टर से होगा, बिकॉज हर कैरेक्टर आपके लिए एक अलग मायने रखता है, एक अलग मीनिंग होता है एक कैरेक्टर का, एंड वो बहुत स्पेशल होता है बिकॉज आपने लिटरली उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक साल तक जिया है, उसे महसूस किया है कि वो क्या फील कर रहा है, उसकी नजरों से पूरी दुनिया को देखा है. तो मिचकात भी आ गया, बोला चल ना कहीं खाना खाने चलते हैं. तो हम लोग गए ओबरॉय मॉल तक, हमने टाइम जोन में जाके बहुत गेम्स खेले, फिर हमने कॉफी पी, हमने लंच किया. सो आई थिंक ये जो स्पॉन्टेनियस मेमोरी थी ना वो बहुत ही कमाल की थी. Hi, this is Sumbul Taqir and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, जो मेरे साथ इस वक्त खड़ी है इनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये है टेलीविजन दुनिया की और इनके फैंस की जान. Welcoming Sumbul Taqir Khan in conversation with me on India Forums. Hello. वाह वाह सही आ गया. कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे? सच्ची बताना. बढ़िया हो? हाँ बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास. आज थोड़ी कम नींद मिली है मुझे, बट बाकी मैं बढ़िया हूँ. कितने बजे उठे वैसे आप? मैं 11 बजे. यार कम नींद हुई? हाँ यूजुअली 12 बजे तक सोती हूँ मैं. आई एम सो जेलस ऑफ हर राइट नाउ, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को. फैंस आर रियली लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज अभी आपको देखने नहीं मिलेगा उनको टेलीविजन सेट्स पे रोज. सडन डिसीजन था काफी ज्यादा, ये हमें भी थोड़ा सा टेकन अबैक लगा कि यार ये क्या हो गया. प्यार मिल रहा था शो को, इट वाज डूइंग वेल. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था यार सुन के? मतलब मुझे मुश्कात ने एक्चुअली इन्फॉर्म किया था बिकॉज ही गॉट टू नो, तो उसने आके मेरे साथ शेयर किया. एंड मैं ऐसे उसको, मैं लिटरली मैंने 5 सेकंड उसको ऐसे ही देखा कि अभी बोलेगा ना, मजाक कर रहा हूँ. ऐसे देखी, उसने बोला नहीं वो. तो मैं बोला अच्छा है, ही सीरियस. तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा टाइम लगता है ऐसे अंदर जाने प्रोसेस करने में. मुझे लगा कि ऐसा क्यों, मतलब क्या, बट एक्चुअल उसके पास भी नहीं था कुछ बोलने के लिए और कोई बता नहीं रहा कि एक्चुअल रीजन क्या है. लग रहा था कि यार सिर्फ 7 दिन, आपको सीधा ये बोल दिया गया है कि बस आपके पास 7 दिन और है शूट करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? इट वॉज वेरी वियर्ड. वो वैसा वाला मुझे लगा जैसे शाहरुख सर की फौकी वाली जो फिल्म है चक दे इंडिया, इसमें कहता है 70 मिनट. हाँ. ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट. क्या वैसे लगे वो 7 दिन? नहीं ऐसा नहीं लगा मुझे. वो बहुत डिफरेंट था, मतलब वो एक्चुअली ऐसा हो रहा था ना, हमें 7 दिन तो दिए थे पर वो एक्सटेंड होते जा रहे थे. अब हमने सोचा कि हाँ 7 दिन है. हाँ. पर फिर एक दिन की हमें छुट्टी दे दी. हाँ. और फिर एक दिन और बढ़ा दिया. ओह गॉड. और मैं ऐसे देख रही हूँ कि यार एक पर्टिकुलर डेट दे दो. करेक्ट. हाँ थोड़ा सा इंसान मतलब मेंटली भी प्रिपेयर हो जाए. उसके बोलते नहीं है चलो 8 तारीख. हाँ, पक्का. फिर नेक्स्ट डे एक और छुट्टी दे दी, तो बोलते नहीं 9 तारीख पक्का है. प्लान कर ले अपने लिए थोड़ा सा वेकेशन वगैरह हो जाए. प्लानिंग की थी आपने? ऑफ कोर्स है मेरा प्लान, मैं जा रही हूँ 3 दिन के बाद. वेयर आर यू गोइंग? आई विल नॉट टेल यू. हाय. मुझे अगर नजर लगी किसी की भी, नहीं मुझे बहुत जल्दी लगती है नजर. यस लगती भी है ना बहुत. ठीक है, पर आई होप ये जहां भी जाए 3 दिन बाद हमें सोशल मीडिया से तो पता चल ही जाएगा. ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी. आई हैव अ लॉट ऑफ फन. एक बार मुझे पहुंच जाने दो बस. वेल सुमन, अगर मैं आपको पूछूं पर्सनली आपके अकॉर्डिंग काव्या का अगर ट्रैक आगे बढ़ता तो वो किस हिसाब से आप आगे बढ़ता देखना चाहती हूं उसे? Which direction do you want it to go? Yeah, lovely. Okay, so I would have, अगर मेरे ऊपर होता, हाँ. So मैं चाहती कि काव्या उसका professional life जो है, उसका जो career है, वो उसमें you know ऐसा कुछ बड़ा करे जिससे वो DM बने. Correct. और मैं ऐसा कुछ चाह रही थी बिकॉज दैट काव्या वॉज इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड इन हर करियर और समथिंग. सो आई वॉन्टेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उससे गलती से कुछ हो गया जिससे कोई बड़ा कांड होने से बच गया. करेक्ट. और उसको डीएम बना दिया, वो सोचने में तो कुछ भी नहीं किया. बट देन द मोमेंट शी गेट्स और सिट्स ऑन द डीएम चेयर एंड शी रियलाइजेस कि नो, ये भले ही मुझे किसी भी तरह से मिल गया बट आई विल मेक, इसके लिए मैं जो कर सकती हूँ वाओ बेहतर बनाने के लिए देश को मैं वो करूंगी. एंड रही बात आदि और विक्की की, तो दोनों मतलब विक्की के साथ तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी. करेक्ट. तो वो दोस्ती तो बरकरार रहती. करेक्ट. और आदि का मैं कुछ ऐसा दिखाती कि वो शायद वो विक्की की जान बचाता या फिर काव्या की जान बचाता, ऐसा कुछ बड़ा करता जिससे काव्या फिर उसे माफ कर देगी. चलो ठीक है,
मैंने ये सवाल पूछने का एक ही कारण था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको राइटिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, और ये देख रहे होंगे आप, ये क्रिएटिविटी वहीं से आ रही है सुम्बुल। आई एम श्योर ये आइडिया हम कट करके भेज देंगे काव्या के डायरेक्टर्स को कि गाइस देखो योर लॉस वी आर सुम्बुल। इमली का कैरेक्टर आपके इतना खास था कि वो आपके इंस्टाग्राम बायो में आपने इमली लिख के एक इन्फिनिटी का वो सिंबल डाल दिया। तो यूजुअली हम जब कोई कैरेक्टर्स करते तो वो रह जाते हैं हमारे साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, भले हम कितना कहे कि यू नो वर्क इज वर्क एंड पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट। काव्या से क्या इमोशनल अटैचमेंट थी आपकी? इमोशनल अटैचमेंट यार ऑफ कोर्स वो हर कैरेक्टर से होगा, बिकॉज हर कैरेक्टर आपके लिए एक अलग मायने रखता है, एक अलग मीनिंग होता है एक कैरेक्टर का, एंड वो बहुत स्पेशल होता है बिकॉज आपने लिटरली उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक साल तक जिया है, उसे महसूस किया है कि वो क्या फील कर रहा है, उसकी नजरों से पूरी दुनिया को देखा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से गुड बाय, बट वो एक स्पेशल प्लेस हमेशा रहती है। और रही बात अगर इमली की करें तो इमली मेरे लिए मेरी करियर की शुरुआत थी। मेरे मतलब मैंने उसके पहले बहुत काम किया, पर मैं अगर मेरे करियर की शुरुआत की बात करूँ तो वो मेरे लिए इमली था। करेक्ट। तो इमली इज ऑलवेज गोना बी लाइक माय बेबी, एंड इसलिए वो आई थिंक योर्स इमली एंड इंफिनिटी, मतलब योर्स इमली फॉरएवर, मेरे कहने का मतलब है, एंड वो हमेशा मेरे इंस्टाग्राम पे रहेगा। वंडरफुल यार। मैं बात करूंगी अगर काव्या के कास्ट की, तो मुझे लगता है मिशकत ने जितना मिशकात She's correcting everyone, okay? आप एक तो चलो मिशकात बात की जाए काव्या के कास्ट की, तो मिशकात ने जितनी एनर्जी शायद से सीरियल में डाली उससे डबल इनके साथ रील्स बनाने में डाली है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, हर रील आपकी इज ऑलमोस्ट टचिंग मिलियंस, है ना? तो मुझे लगता है कि काव्या के फैन ज्यादा नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे अगर मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो उसके बाद भी ये लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं यार। What is that one memory that you have made with Mishkat? Like off-screen? Off-screen, off-screen, yeah. बहुत सारी memories हैं। There was this one thing कि हम लोग set पे जा रहे थे and बहुत next level traffic बोल रही हूँ, traffic लगा हुआ था मीरा रोड से लेके, it was blocked till चिंचोटी। Oh. और हमारा set था चिंचोटी के आगे बस सही, correct। So अभी हम सब फंसे हुए हैं and then I मतलब मुझे मेरी best friend उल्का का call आया, सुम्बुल my shoot got cancelled because this will not move, you can't do anything। Correct। मैंने अपनी team से बात करी कि ऐसा कुछ है, कुछ तो ड्रामा हुआ था वहाँ पे, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है let's let us talk to somebody। तो मैंने मिशकात को कॉल किया, मैंने बोला मिशकात शूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ना नीचे से यूटर्न मार ले। तो हमने जैसे हमें थोड़ा सा मौका मिला हम निकल के, मैंने यूटर्न मार लिया, लेकिन मिशकात तभी वहीं पे फंसा हुआ था। फिर जब तक मैंने यूटर्न मारा तब तक कॉल आ गया कि हाँ चलो शूट कैंसिल है। मैंने बोला ओके, तो मिशकात भी आ गया, बोला चल ना कहीं खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग गए ओबरॉय मॉल था, हमने टाइम जोन में जाके बहुत गेम्स खेले, फिर हमने कॉफी पी, हमने लंच किया। सो आई थिंक ये जो स्पॉन्टेनियस मेमोरी थी ना वो बहुत ही कमाल की थी। एब्सोल्युटली यार, मतलब और क्या चाहिए, आपको ऐसे लगा कि शूट कैंसिल और हो गया कैंसिल, शायद कुछ और ही मांग लेते। वेल आई वांट टू आस्क यू सिंबल, द वे ओटीटी होराइजन इज यू नो इंक्रीजिंग अभी ना, कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे, इतने सारे अंडररेटेड लोगों को, अंडररेटेड एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वी वुड डेफिनेटली लव टू सी यू डूइंग ओटीटी, बट आई वांट टू नो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक जॉनर, कि अगर सुम्बुल स्टेप्स इनटू ओटीटी दैट शी वुड वांट टू स्टार्ट विद दिस जॉनर। आई वुड लव टू प्ले अ साइको किलर। हाय, ओ माय गॉड, आई वुड लव दैट। Really? जैसे बेहद में माया का कैरेक्टर था ना, would love to play something like that. Very मतलब ऐसे देखने में लगता नहीं है कि ये होगी कुछ, हो सकती है अंदर से, लेकिन वो मतलब मार भी सकती है। कोमोलिका वाइब्स? नहीं, कोमोलिका नहीं, नहीं नहीं नहीं, माया इज द परफेक्ट वन। उसके अलावा यू अगर सीरीज देख लो, सो दैट इज लाइक, मुझे वैसा करना है। वाओ, सो वी आर हिंटिंग एट एवरीवन आउट देयर। मुझे ये भी जानना है सुम्बुल, एट वेरी यंग एज यू नो यू स्टेप इन द इंडस्ट्री एंड इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज नॉट इजी विद द कॉम्पिटिशन विच इज इंक्रीजिंग, यू नो इन्फ्लुएंसर्स कमिंग इन द मार्केट जिनको इजीली यू नो दे आर गेटिंग अ स्टेप इन टू द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे हैव एंड ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कंप्लीट सिनेरियो विच इज गोइंग ऑन राइट? आई थिंक कि मेरे लिए ना कभी फॉलोअर्स, हाँ अच्छी बात है अगर आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो, बट आप अगर देखें जो बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, उनकी उतनी फॉलोइंग है नहीं। करेक्ट, आई एग्री, लेकिन उससे उनको काम मिलने से कोई नहीं रोकता। Yeah. क्योंकि लोग उनका काम जानते हैं, उनका काम देखा है, उनको काम इसलिए मिलता है क्योंकि वो टैलेंटेड है। ट्रू। सो आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। डेफिनेटली यार,
तो मेरा ये मानना वंडरफुल. बिफोर आई मूव ऑन टू प्रैक्टिस कॉफी विद करण रैपिड फायर विद हर लास्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज सीन सुंगुल्स बबली चोपी साइड एंड शी इज दिस बॉल ऑफ एनर्जी वेयर एवर शी गोज बिकॉज आई हैव नेवर सीन हर सिटिंग वेरी सैड और यू नो लॉस्ट समवेयर नेवर. शी इज ऑलवेज टॉकेटिव एंड शी इज ऑलवेज लाइक दैट. मुझे जानना है जब यू नो सोशल मीडिया पे जब ऐसे कई सारी बातें होती है, ट्रोलिंग्स होती है, लोग कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आई एम श्योर इनके केस में बहुत कम होता होगा मे बी बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील अबाउट यू, पर अगर होता है व्हाट इज दैट गो टू मंत्रा की यू नो जस्ट इग्नोर इट और जस्ट देखो भी मत उसकी तरफ या फिर देखो रिएक्ट मत करो, क्या मंत्रा है? देखो एक इंसान ना मैं जितना भी ट्राई करूँ आई ऑलवेज थिंक ऐसा कुछ आएगा आई वॉन्ट इवन रीड इट, बट एज अ ह्यूमन it pushes me there ki main bas dekhu ek bar I know it will make me upset and everything but I will say it because a normal human behavior everyone will do that true to wo ek bar dekh liya fir abhi dekh ke kya karu main phone thodi time ke liye band kar deti hu I just thodi der saanse leti hu ya fir agar mujhe zyada effect hua to main nahane chali jati hu thande shower ke niche khade hone se bahut sari problem solve ho jati hai thanda really I think hot main garam pani se nahi nahati hu aaj tak nahi ठंड में भी मैं ठंडे पानी से रोहित सर सुन रहे हो खतरों के खिलाड़ी मीन है सो आई थिंक बिकॉज वो बहुत हेल्दी होता है गर्म पानी से भी हेल्दी है बट ओकेजनली या ठंडे पानी से नहाना हमेशा हेल्दी है आपके लिए. ठंडे पानी से मैं सिर्फ बाल वॉश करती हूँ बिकॉज वो तो करना ही रहता है और गर्म पानी से तो मैं नहीं चलो मैं ट्राई करूंगी जरूर. मैं दिल्ली की ठंड में भी ठंडे पानी से नहाई हूँ. मैं भेज रही हूँ रोहित सर को ये कट करके ठीक है ना. अच्छा हुआ कि मुझे भी याद है बट खतरों के खिलाड़ी who do you see winning come on very quickly. So मेरे दो दोस्त हैं वहाँ पे निमृत एंड कश्मीर but निमृत is not in the finale so I'm wishing that कश्मीर wins. Fingers crossed. Yeah, fingers crossed definitely because मैंने देखा है यार उन्होंने इतने प्यारे स्टंट्स किए इतने अच्छे से किए हैं एंड आई जस्ट विश कि वो ही जीते. Does that ever motivate you कि अगर खतरों कम जीओ वैसे you wanna do it? Yeah, why not? Yeah, I really love that show and yeah, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे टाइप का शो है. इधर से कूदो उधर से करो. I love doing that. Wonderful.